हम एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस कर रहे थे, उसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। प्रूव दैट, अब जो हम फॉर्मूले यूज करेंगे वो भी बताएंगे। साइंस स्क्वेयर ए प्लस बी माइनस साइंस स्क्वेयर ए माइनस बी, ये प्रूव करना है हमें। किसके को लेना है? साइन 2a इंटू साइन 2b। तो इसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, साइन स्क्वेयर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वेयर ए माइनस बी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी का, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहां पर ए की जगह तो ए प्लस बी है और बी की जगह क्या है? ए माइनस बी है। तो हमने फॉर्मूला यूज किया साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी का, साइन ए प्लस बी, ए की जगह ए प्लस बी है और बी की जगह ए माइनस बी, तो दोनों का सम और यहां पर दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ाया था हमने साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहां पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? साइन टू ए इंटू साइन टू बी, ये ही राइट हैंड साइड है। तो साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी का हमने फॉर्मूला यूज किया है, साइन दोनों का सम, साइन दोनों का डिफरेंस। सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से है, साइन स्क्वेयर पाई बाई एट प्लस एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वेयर पाई बाई एट माइनस एक्स बाई टू, ये हमें प्रूव करना है वन बाई रूट टू साइन एक्स। तो वही फॉर्मूला यूज होगा, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी का क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहां पर x बाई टू से x बाई टू क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन टू पाई बाई एट, और यहां पर साइन पाई बाई एट प्लस एक्स बाई टू माइनस पाई बाई एट प्लस एक्स बाई टू। तो यहां पर पाई बाई एट से पाई बाई एट कैंसिल, और यहां पर ये कैंसिल, तो वैल्यू आ गई साइन पाई बाई फोर इंटू साइन 2x बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल। साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है 1 बाई रूट टू, तो ये आ गया 1 बाई रूट टू इंटू साइन एक्स, ये इसकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, कोस बीटा इंटू कोस 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा, ये प्रूव करना है। तो अब की बार हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमने पढ़ा था कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी का होगा कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो यहां से ए की जगह अल्फा है और बी की जगह अल्फा माइनस बीटा है,
तो कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा का होगा कोस, दोनों का सम और इनटू में कोस दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ से वैल्यू आ गई कोस 2 अल्फा माइनस बीटा, और कोस अल्फा से अल्फा कैंसिल और क्या आ गया बीटा। यही हमें प्रूव करना था, ये क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड लेके चले हैं और किसके को ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड की, प्रूव हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है कोस 2 बीटा, सॉरी कोस 2 अल्फा इंटू कोस 2 बीटा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कोस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन स्क्वेयर के अंदर डिफरेंस हो तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल हो गया और ये आ गया कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा प्लस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल और ये बन गया कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा प्लस साइन 2 अल्फा इंटू साइन माइनस 2 बीटा। साइन के अंदर नेगेटिव कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन के अंदर माइनस एंगल के साथ है तो वो बाहर आ जाता है। अब ये फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हमें प्रूव करना था, ये क्या है इसकी राइट हैंड साइड। इससे पहले हमने जो फॉर्मूला लगाया वो क्या लगाया था, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज किया है हमने इसमें, और लास्ट में क्या यूज किया है, कोस ए प्लस बी का ए की जगह 2 अल्फा और बी की जगह 2 बीटा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। लास्ट पार्ट है इसका कोस स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये प्रूव करना है इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कि एक्स पर डिपेंड नहीं करता। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसके लिए हम, ए की जगह तो ये एंगल यूज हो रहा है और बी की जगह ये एंगल यूज हो रहा है, क्या बन जाएगा कोस ए प्लस बी दोनों का सम और फिर कोस ए माइनस बी। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन गया कोस 2π/4, कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल और कोस 2x आ जाएगा, ये कितना हो गया कोस पाई बाई 2। और कोस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 × cos 2x, क्या वैल्यू आ गई 0। तो ये कहेंगे इसमें x है ही नहीं, तो ये क्या कर गया इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स।
मीन्स ये एक्स पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड कब करता, जब आंसर में एक्स आता तो हम एक्स की वैल्यू बदलते हैं तो इसकी वैल्यू बदलती है। अब जीरो है तो चाहे जो मर्जी एक्स की वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू तो हर बार क्या आनी है, जीरो ही आनी है। तो ये एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू के अंदर एक्स में आ जाता कुछ, जीरो नहीं आता एक्स में आता, तो हम कहते डिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि अगर एक्स को बदलते तो इस पर भी इफेक्ट पड़ता। लेकिन अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, एक्स की वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू हर बार क्या आएगी, जीरो, क्योंकि इसका जो आंसर है उसके अंदर एक्स है ही नहीं, तो एक्स पर ये डिपेंड नहीं कर रहा। क्या कहेंगे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब है एक्सरसाइज 7.3, सॉरी 3.7, से पहले कुछ फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। क्या फॉर्मूले हैं देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इनटू ए सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट को हम किस में बदल रहे हैं, सम और डिफरेंस में बदल रहे हैं। प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस में बदलेंगे, वो फॉर्मूले हैं। प्रोडक्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको किस में बदलेंगे, सम में या फिर डिफरेंस में। ये फॉर्मूले हैं, फोर फॉर्मूले हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे। पहला फॉर्मूला है 2 sin A cos B, ये किसके इक्वल होता है, sin A+B प्लस sin A-B। सेकेंड फॉर्मूला है 2 cos A sin B, तो ये आएगा sin A+B माइनस sin A-B। जब एंगल के शुरुआत में कोस आए तो माइनस आएगा, और दोनों अलग अलग हो, एक साइन की टर्म और एक कोस की हो, तो फॉर्मूलों में आएगा साइन, दोनों जगह साइन के फॉर्मूले होंगे। और जब दोनों में सेम आए तो कोस का फॉर्मूला होगा 2 cos A cos B, दोनों में कोस है तो कोस का फॉर्मूला होगा cos A+B प्लस cos A-B। और लास्ट है फोर्थ फॉर्मूला, 2 sin A sin B, ये होगा cos A-B माइनस cos A+B। इसमें देखो माइनस का पहले आया है एंगल, बीच में जो माइनस वो पहले, प्लस का बाद में, बाकी सभी में माइनस का बाद में था। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब दोनों साइन के आएंगे तो दोनों कोस के होंगे, मतलब दोनों एक जैसे आएंगे तो कोस का फॉर्मूला होगा दोनों जगह, लेकिन जब दोनों साइन के आएंगे तो बीच में माइनस कैसे आएगा, A-B का एंगल वाला पहले आएगा और A+B वाला बाद में आएगा। और जब दोनों डिफरेंट हो, साइन हो, एक साइन और एक कोस हो, तो दोनों साइन के आएंगे, एक साइन और एक कोस में हो तो दोनों साइन के आएंगे। जब कोस शुरुआत के एंगल में हो ए में, तो उस केस में प्लस वाला बीच में क्या आ जाएगा, माइनस sin A+B माइनस sin A-B। इनको हम चाहें तो वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, जैसे इसकी राइट हैंड साइड ले हम, sin A+B प्लस sin A-B, तो sin A+B का फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। ये लगा दिया हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब मैं लगाता हूँ sin A-B का sin A cos B माइनस cos A sin B, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, दोनों कैंसिल, और ये क्या आ गया, 2 sin A cos B, ये प्रूव हो गया है। इस तरह से ही हम बाकी को प्रूव कर सकते हैं। याद रखने के लिए, जब दोनों डिफरेंट हो, एक साइन एक कोस हो, तो साइन का फॉर्मूला बनेगा दोनों जगह, और जब दोनों सेम हो तो कोस के बनेंगे, और दोनों साइन के हो जब माइनस वाला एंगल वाला पहले आएगा बाकी बाद में। तो इस तरह से इन फोर फॉर्मूलोज को हम अच्छी तरह याद रखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। मीन्स हमने यहाँ पर ये प्रोडक्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सम और डिफरेंस में, सम हो रहा है यहाँ, डिफरेंस या डिफरेंस।
तो प्रोडक्ट है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसको हमने किस में बदल दिया है, सम और डिफरेंस में। ये फॉर्मूले यूज होंगे एक्सरसाइज 3.7 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज सम और डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2 sin 3x cos 5x, इसको हमें सम और डिफरेंस में बदलना है, प्रोडक्ट है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, किस में बदलना है, सम में या फिर डिफरेंस में। तो हम दो फॉर्मूले पढ़ रखे हमने डिफरेंट के, 2 sin a cos b और 2 cos a sin b। हमने पढ़ रखे हैं 2 sin a cos b क्या होता है, sin a + b प्लस sin a - b। तो ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, a की जगह 3x है और b की जगह 5x है, तो 2 sin 3x cos 5x इसकी वैल्यू आ जाएगी sin 3x + 5x + sin 3x - 5x। तो ये बन गया sin 8x + sin - 2x। साइन के अंदर जब एंगल के साथ माइनस है तो वो बाहर आ जाता है। तो देखो इसको हमने डिफरेंस में बदल दिया है, प्रोडक्ट को किस में बदल दिया है, डिफरेंस। तो ये ही कहा था इस क्वेश्चन नंबर 1 में कि सम और डिफरेंस को कन्वर्ट कीजिए, सॉरी इनको किस में लिखिए, सम और डिफरेंस में लिखिए। तो इसी तरीके से और पार्ट भी इसके, जैसे फोर्थ पार्ट है sin 75 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री। तो हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा है, 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, sin 75 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ रखे हमने, 2 sin a sin b का cos a - b माइनस cos a + b। तो यहां से वैल्यू आ गई 1/2 cos 60 और -cos 90, और cos 90 0 होता है, तो वैल्यू आ गई 1/2 × 1/2 cos 60 और ये 0 होता है तो वैल्यू आ गई 1/4। हम ब्रैकेट में फॉर्मूला यूज है उसको भी लिख सकते हैं, 2 sin a sin b, दोनों टर्म सेम है तो कोस का फॉर्मूला आएगा, दोनों साइन में है तो कोस का आता है cos a - b - cos a + b, ये बन गया। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है sin x/4 × sin 3x/4। बड़े एंगल को ए मान ले तो हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रहे, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसको सिंपलीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 2 sin a sin b। पिछला फॉर्मूला ये है cos a - b - cos a + b। तो यहां से वैल्यू आ गई 1/2 cos a - b - cos a + b, तो एलसीएम लेंगे 4 आ गया और 2x -cos 4x/4, ये आ गया cos x/2।
तो वैल्यू आ गई कोस एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें फर्स्ट पार्ट है टू कोस टू बी कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस थ्री बी। तो यहां पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टू कोस ए कोस बी का लगाएंगे। टू कोस ए कोस बी का क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं मैं, टू कोस टू बी इंटू कोस ए माइनस बी क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो देखो टू बी में से बी गया तो बी बचेगा, तो ये बन गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस टू बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस थ्री बी माइनस ए। और कोस के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने पढ़ रखा है कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही होता है। तो माइनस एंगल है उसको प्लस में लिख सकते हैं हम, कोस में एज इट इज रहता है। तो क्या रहेगा, कोस ए माइनस थ्री बी। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, कोस 60 डिग्री प्लस अल्फा साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/4 इंटू √3 माइनस 2 sin 2 अल्फा। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फॉर्मूला बन जाएगा फिर 2 cos a sin b का। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 cos a sin b क्या होगा, 2 cos a sin b होगा साइन ए प्लस बी। माइनस साइन ए माइनस बी, ए की जगह 60 प्लस अल्फा, बी की जगह 60 माइनस अल्फा। यहां पर वैल्यू बन गई, अल्फा से अल्फा कैंसिल, साइन 120 डिग्री। यहां पर देखो माइनस साइन 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, 2 cos a sin b का। ए हमने 60 प्लस अल्फा को माना है, बी हमने 60 माइनस अल्फा को माना है। तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब हम साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस 30। और 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा, cos 30। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे हम साइन 120 की जगह √3/2 माइनस साइन 2 अल्फा। इसको हम
यहां से एलसीएम ले लेंगे, क्या बनेगा एलसीएम अंदर है? 2 बनेगा एलसीएम, तो √3 माइनस 2 sin 2 अल्फा, और ये हो गया 2 into 2 4, 1/4 √3 माइनस 2 sin 2 अल्फा, ये इसकी क्या है राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया है, देख सकते हैं इसकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से करेंगे हम, फॉर्मूले यूज करें चार हमने, फिर रिवाइज करवा रहे हो मैं। 2 sin a cos b, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 cos a sin b, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos a cos b, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, 2 sin a sin b, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। जब दोनों डिफरेंट हो तो साइन का फॉर्मूला होगा दोनों जगह, दोनों सेम हो तो कोस का होगा, दोनों कोस के होंगे जब बीच में प्लस आएगा, दोनों साइन के होंगे जब बीच में माइनस आएगा, और माइनस वाला जो एंगल है ये माइनस भी वो पहले आएगा, बाकी वो बाद में आ रहा है। इस तरह से याद रखेंगे इनको हम।